There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahmakumaris. ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्माकुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत. इन दिनों हम बात कर रहे थे सेल्फ मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट के कई कोर्सेज हम करते आ रहे हैं, और अगर करियर में है तो बहुत सी बातें जहां स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है, एंगर मैनेजमेंट की, लेकिन अभी तक हम ये समझ नहीं पाए थे कि सेल्फ को भी मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ को ही नहीं पहचानते थे. खुद की पहचान के साथ साथ जहाँ मैनेज करने की बात आई, वहाँ पहली बात जो आई थी वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मेरी एबिलिटी क्या है किसी भी सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करने की, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैं अपने प्रति सबसे पहले ज़िम्मेवार हूँ, और उसके बाद बाकी ज़िम्मेवारियाँ मेरे सामने आती हैं. अगर पिछली कड़ी को एक बार थोड़ा सा और देखें तो हमने बात की थी कि अगर मैं अपनी खुशी और अपने दुख की ज़िम्मेवार हूँ, तो फिर मैं किसी और की खुशी या दुख की ज़िम्मेवार नहीं हो सकती. आज थोड़ा सा और इस बात को आगे बढ़ाते हैं. हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्माकुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति. ओम शांति. सिस्टर शिवानी, जिस तरह से पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि मेरे साथ मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जो भी इमोशन क्रिएट करती हूँ, जो भी थॉट फीलिंग क्रिएट करती हूँ, उसकी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है. तो अगर मैं खुश हूँ, अपनी वजह से हूँ, मैंने क्रिएट किया, और अगर मैं दुखी हूँ तब भी मैंने क्रिएट किया है. यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जहाँ हमने ये बात की थी, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स भी आया है, बहुत से लोगों के मन में ये बात उठ रही है कि जब दूसरा दुखी होता है और वो वजह मैं बन रहा होता हूँ कि मेरे वजह से हुआ, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई या कुछ हुआ, तो वो दुखी और वो बार बार मुझे कह रहा है आई एम यू नो सैड बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूँ, तो वो मुझे कैसे इफ़ेक्ट नहीं करेगी. और दूसरी तरफ अगर मैं या कोई और किसी और के दुख के लिए ज़िम्मेवार नहीं हो सकता, तो फिर तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी तरह से करता जाऊँ. तो ये दो बातों को थोड़ा हम और चाहेंगे कि अगर हम खुलें. सी, पहली बात तो अपने को समझ लें. जब ये फिट एकदम क्लियर हो जाता है कि आई एम द क्रिएटर, तो जैसे आई एम द क्रिएटर, एवरी वन इज़ द क्रिएटर ना. इफ़ आई एम द क्रिएटर, यू आर योर क्रिएटर. तो हर एक अपना अपना क्रिएटर हो गया ना. हम संकल्प हमारी रचना है. जब सबसे पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि मैं अपने संकल्पों का रचयिता हूँ, सो आई एम द क्रिएटर. तो जैसे आई एम द क्रिएटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, आई एम द क्रिएटर ना. यस, सिचुएशन ट्रिगर तो होती ही है, डेफिनेटली है, कि जब तक परिस्थिति आती नहीं, इट्स लाइक दिस स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स. तो स्टिम्यूलस तो आएगा, वो व्यक्ति है, परिस्थिति है, वट एवर. स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स, बिटवीन द टू फ्रीडम टू चूज द रिस्पॉन्स. ये बॉक्स तो आ रहा है ना बीच में, और इसीलिए देखा जाता है एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग हैं, लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग होगा. एक ही ट्रेजेडी में अलग अलग लोग हैं, रिस्पॉन्स अलग अलग होगा. मैं आपको एक बात बताती हूँ. एक कपल है जिनसे मिलना हुआ कुछ समय पहले. उनके 2 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ा. 2-year-old child died. Stimulus? The death of a child, young baby. बड़ी बात है ना. इससे बड़ी बात कहेंगे तो क्या हो सकती किसी के लिए. लेकिन अब 2 लोग हैं, दोनों के सामने सेम स्टिम्यूलस. अब दोनों कौन है? पेरेंट्स हैं. तो दोनों के लिए स्टिम्यूलस जो आया है वो इक्वली हैवी है, इक्वली चैलेंजिंग है. दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए. अगर स्टिम्यूलस रिस्पॉन्सिबल है तो दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए. अब इसमें हमने देखा कि एक जो वाइफ है उसने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया. इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए लॉस बड़ा नहीं है, या उसको कुछ लग नहीं रहा कि मेरा बच्चा चला गया. ऑफकोर्स द लॉस इज देयर, लेकिन फिर सिचुएशन को तो एक्सेप्ट करना ही होगा. और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आप फिर आगे मूव ऑन करेंगे. तो एक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड मूव्ड ऑन, यू नो, चाहे वो अपने जॉब में ऑक्यूपाइड है या लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, स्वीकार कर लिया है कि यह मेरे साथ हुआ है. द फादर ऑफ द चाइल्ड एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे अब खुश रहने का कोई हक नहीं है.
That is the response. Same stimulus, no response. She says, I have understood, not in my control. I have to move ahead. He says, I will never be happy. I have no right to be happy. Same situation, different response. और सिंपल लेवल पर ये तो फिर भी एक बहुत बड़ी बात है. आप एक ऑफिस में देख लो, हम सपोज 10 लोगों की एक टीम है, एक ही बॉस है. एक बॉस ने आज एक एक करके सबको बुलाया. सपोज हम सब ने एक गलती कर ली, एक एक को बुलाया, डांट दिया, एक ही रिस्पॉन्स होगा सबका. स्टिम्युलस एक ही है, परिस्थिति एक ही है, रिस्पॉन्स हर एक का अलग अलग. तो जब हम हर सीन में ये देखते हैं कि सेम सिचुएशन अलग अलग लोग अलग अलग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्ड कौन क्रिएट करेगा? हम खुद, लोग. यस, जितना भी हम दर्द में जाएंगे, हम सब उस परिस्थिति को ब्लेम कर रहे हैं. लेट्स से बॉस से डांट पड़ी, तो हम अपने अपनी सीट पर चले गए. किसी को 5 मिनट लगा ठीक होने में, किसी को 5 घंटे लग गए, किसी को तो 5 दिन लग जाते हैं ठीक होने में कि क्यों मुझे डांटा. अलग अलग रिस्पॉन्स, राइट? लेकिन जो 5 मिनट भी अपसेट है या 5 दिन भी अपसेट है, दोनों ब्लेम किसको करते हैं? बॉस को. अब दर्द का लेवल तो अलग अलग है, लेकिन दोनों ब्लेम किसको कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ये सोच रहे हैं कि मेरे दर्द का कारण देयर. नाउ हियर आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम द क्रिएटर, नॉट द बॉस. द बॉस इज द स्टिम्युलस व्हिच हैज कम फ्रॉम आउटसाइड. तो आप कोई भी परिस्थिति में देख लो. अच्छा, तो मतलब बात ये आई कि किस बॉस ने डांटा. सपोज ये एग्जाम्पल लेते हैं, बॉस ने डांटा. जायज, मतलब ये बात ये कही जाती है कि इट विल हिट. ओके, जो जो बॉस इज नॉट गोइंग टू हिट. नो नो, व्हाटएवर ही इज गोइंग टू से कम्स टू मी, एंड ऑफ कोर्स आई विल नॉट लाइक दिस. इज द फर्स्ट रिस्पांस, इज माय रिस्पांस आल्सो, बट हाउ डू आई शील्ड इट देन? सी, इफ हिज रिएक्शन, मतलब व्हाटएवर ही हैज रिएक्टेड, मैं उससे अफेक्ट ना हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ये बात नहीं है. आपने जो कहना है वो आपने किया. लेट्स से यू आर माय बॉस जस्ट नाउ, ओके? सो आपको जो कहना है आप कहेंगे. पहली बात, आप उस बेसिस पर कहेंगे जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है अभी. कभी कभी गलती तो इतनी होती है, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं होगा, सो यू आर जस्ट गोइंग टू रिएक्ट. बट मुझे पहली बात ये समझना होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो आपकी क्रिएशन है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जो इतना जोर जोर से शोर मचा दिया, दैट्स बिकॉज आप दर्द में हैं, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, नॉट बिकॉज यू हेट मी. द फर्स्ट थिंग वाई आई गो इन टू पेन इज इवन इन अ बॉस कोलीग, इवन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. अब सपोज हस्बैंड पूरा दिन ऑफिस से आए, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस, आके वाइफ को डांट दिया, जोर से कुछ कह दिया, तो वाइफ इफ शी अंडरस्टैंड्स कि ही रिएक्टेड लाइक दिस बिकॉज ऑफ हिज ओन पेन, बिकॉज वो दर्द में है. शोर कौन मचाता? जो दर्द में होता है. लेकिन बुरा उसको इसलिए लगता है, मुझे ऐसा कहा, मतलब वो मुझसे नाराज है, मतलब वो मुझसे नफरत करते हैं, मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते. कंक्लूजन हो गया, तो आई गो इन टू पेन. वंस आई गो इन टू पेन, आई कांट अंडरस्टैंड दैट यू आर इन पेन. अच्छा, और ये जो सारे थॉट्स ये मैंने क्रिएट किए थे, ऑफकोर्स उन्होंने जो कुछ किया वो तो किया ही क्या. Yeah. उनके करने से, उनके क्रिएशन से मैंने क्रिएट किया. तो फिर हम वही कह रहे हैं ना बार बार. हाँ. कि सिचुएशन, सी द हस्बैंड इज देयर, द बॉस इज देयर, व्हाटएवर समबडीज डेथ इज देयर, बट उसके सामने एक एक थॉट जो क्रिएट किया वो किसने क्रिएट किया? बट अब वो सिचुएशन ही ऐसी है, तो थॉट में दूसरा कैसे क्रिएट? मैं ये थॉट क्रिएट कह रहे हैं ना कि वही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो मैं बेस्ट रिस्पॉन्ड करूं. दैट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सिचुएशंस अलग अलग आनी है. लाइफ इज दैट, अलग अलग सीन्स आने हैं. हर परिस्थिति में व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर मी? एंड इफ दे स्टार्ट स्ट्रेट अवे ब्लेमिंग यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल. हां, क्योंकि अगर मैं दर्द में चली गई, आपने मुझे गुस्सा किया, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास कोई चॉइस है, मैंने दर्द क्रिएट किया, तो मैं किसको जिम्मेवार ठहराऊंगी? तो आपको जिम्मेवार ठहराऊंगी, तो आपसे नफरत करूंगी. फिर चेंज किसको होना चाहिए? मुझे. सी, दैट्स हाउ द होल विशेस साइकिल अगेन गोज एंड अगेन. आई कीप टॉकिंग अबाउट यू हैव टू चेंज एंड डोंट बॉदर दैट आई हैव टू चेंज, बिकॉज आई थॉट मैं जो दर्द क्रिएट किया उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? वो व्यक्ति था. इसीलिए हमने कहा बार बार भी ये सेंटेंस अगर ले लो ना, दैट यू आर द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर. लेकिन उन्होंने तो दे डिडंट बिहेव, ही डिडंट बिहेव राइटली विद मी. या, बट डिड आई रिस्पोंड राइटली?
हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड? ओके यस अग्रीड, वी आर नॉट सेइंग कि किसी का बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना या बहुत वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन ठीक है उन्होंने जो किया सो किया, अब मैंने क्या करना है? अटेंशन जब इस तरफ आएगी तभी तो तो उस तरफ तो आती नहीं है। यस फिर मैंने सोचा कि मैंने जो थॉट्स क्रिएट किए वो सारे इसलिए क्रिएट हो रहे थे क्योंकि उन्होंने गुस्सा किया, क्योंकि स्टिमुलेट कहीं हुए। ओह गॉड यस। तो फिर किसको चेंज होना चाहिए? उनको। इट्स वेरी डीप रूटेड क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि ये मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ। इफ आई कैन से उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कैन आई ऑल्सो क्रिएट अ थॉट? वो इतने दर्द में है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वो मेरे से नाराज नहीं है, एक्चुअली वो कोई और पेन में है। लेट मी फाइंड आउट दैट। इट कुड बी अ डिफरेंट रिस्पॉन्स। इट कुड बी अ रिस्पॉन्स कि हाँ वो दर्द में है लेकिन मैं अपना ध्यान रख लूँ ताकि अपना ध्यान रख के मैं उनका भी ध्यान रख सकती हूँ। Different response. But he's shouting at me, you know, he's accusing me. He's saying so many bad things to me. He's he telling is me that only you're not throwing good. Out his frustration and his pain. And I consume that pain. So I have to, you know, protect myself. See, again, I consume and create. And we start with even watching the television, watching a movie. आप देखो ये तो फिर भी हमारे रिश्तेदार है ना, वॉट अबाउट वो जो एक्टर्स जो टीवी पर है या जो आप मूवी में हैं, वहाँ वो गुस्सा करते हैं बुरा हमें लगता है यहाँ बैठकर, वहाँ कोई शरीर छोड़ता है रोते हम हैं यहाँ बैठकर, क्या कर रहे हैं? हाउ मेनी पीपल सिट एंड क्राई विद द मूवी? आई डू दैट एक्चुअली। यू डू दैट? सो सी दैट्स फ्रॉम वेयर द हैबिट इज गोइंग वेरी डीप, कि कैसे हमारी इमोशंस जो हैं वो हम दर्द को कैसे कंज्यूम कर लेते हैं कि वो दर्द में है लेकिन उन्होंने हमें वो दर्द नहीं दिया, वो उनका अपना दर्द था जो उन्होंने बाहर निकाला। जब मूवी भी है, चलो अब तो सामने तो कोई नहीं है ना, वो तो स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ हम क्यों रो रहे हैं? ये किसने क्रिएट किया? वो एक्टर ने थोड़ी क्रिएट किया आके, वो तो हमें आके कुछ भी नहीं कह रहा। अब उसी सिनेमा थिएटर के अंदर सब लोग तो नहीं रो रहे ना। सो एवरीवन इज क्रिएटिंग देयर ओन थॉट्स। इसको आप जितना हर सीन में देखते जाओगे ना, यू विल एंजॉय द डे, यू विल एंजॉय, क्योंकि आप देखते जाओगे आई एम क्रिएटिंग, आई एम क्रिएटिंग, मैंने क्या क्रिएट किया। यू नो इट्स वेरी नाइस एंड दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। इट डजंट मीन कि हम फर्स्ट डे में परफेक्ट हो जाएंगे, बट देन द जर्नी बिगिंस कि ये जो अभी अभी मैंने जेलसी का थॉट क्रिएट किया, ये किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया, नहीं ये उसकी वजह से, ना ना ना, मैंने क्रिएट किया, मैंने किया था, मैंने क्रिएट किया, ये अभी जो हर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, ओह यस, ये अभी अभी जो हर्ट हुआ, कौन हर्ट हुआ? मैं हर्ट हुई, किसने क्रिएट किया? लेकिन उन्होंने बोला, हाँ उन्होंने बोला, हर्ट किसने क्रिएट किया? दिस इज टॉकिंग टू माई सेल्फ। एंड जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे हमारा रिश्ता अपने आप से वेरी स्ट्रांग हो जाएगा। I start looking after myself. It doesn't mean that day one I will become pain free. No, it's not going to happen. No, yes, I continue to react, actually. But the journey has begun. The journey has begun ke hum apne saath apne upar dekhna shuru kar dete hain. Abhi bhi hurt honge kabhi kabhi, abhi bhi gussa aayega, lekin blame band ho jayega. उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, ना ना, मेरे रिस्पॉन्स, मेरा रिस्पॉन्स। डू आई हैव अ चॉइस? यस। व्हेन डू आई वांट टू चेंज? नाउ, कम ऑन, यू नो। सो यू स्टार्ट वर्किंग, आप अपने कोच बन जाते हैं। जैसे गिरा, कौन गिरा? मैं गिरी। किसकी वजह से गिरी? अपनी वजह से। उठो फिर, चलो मूव दिस। सो कॉन्स्टेंटली फिर आपका अटेंशन किस पर होने लग जाता है? अपने ऊपर। ये मेडिटेशन है ना। दिस इज वॉट इट इज। अभी तो अपने लिए टाइम नहीं था ना, क्योंकि सारा ध्यान तो इसको 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 सबको चेंज होना था। तो इतने लोगों की तरफ ध्यान था, तो अपने ऊपर नंबर ही नहीं आया मेरा अपने ऊपर ध्यान रखने का। अब मुझे जब समझ में आया कि और कोई नहीं क्रिएट कर रहा है। ओह वेरी गुड। यू नो सो सिचुएशंस को लेके जो टेंशन होती है, जो इनसिक्योरिटी है, वो सब आई कैन स्टॉप डूइंग दैट एक्चुअली। ऑफ कोर्स, यू नो, बिकॉज़ आई एम क्रिएटिंग इट। आई एम सो इनसिक्योर, आई एम फीलिंग सो टेंस, आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट। So it's like I can do it, I can stop it now, right now, because I am creating it. Every time, this is very deep. इसको practice करना, ये एक बहुत बड़ी, जिसको कहे ना, liberation हो जाती है blame culture से, कि दूसरे जिम्मेवार हैं, दूसरे। I can never be happy then. I can never be happy. Now when I start looking at myself, I am creating, I am creating. होगा दर्द कभी कभी, लेकिन ठीक होने में कितना time लगेगा? हाँ, because the moment this thought, but it has to rub in actually. इसलिए एवरी डे, एवरी डे आई एम द क्रिएटर।
सम पीपल से, लेकिन आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं. यस, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स, क्योंकि अपने जीवन का जिम्मेवार मैं हूँ, वो अपने जीवन के जिम्मेवार हैं. तो वो जो क्रिएट कर रहे हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मैं जो क्रिएट करूंगा मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल. लेकिन अगर वो गलत करते जा, सपोज हमारे बच्चा है या कोई भी है, वो गलत पे गलत गलत पे गलत करता जा रहा है, तो एटलीस्ट आई, अच्छा, बट आई डोंट हैव टू टेक क्रिएट द पेन, बट आई हैव टू क्रिएट दिस थॉट दैट दिस इज रॉन्ग. Yeah, I can. This action is wrong. I can tell him what is right to do, but that doesn't mean I have to go in pain. You know, for example, bacha ulta jawab de diya, thoda sa rudely baat kar diya. So I even just recently at a program, we had 2 days program. So ek din humne ye topic discuss kiya ki aaj sara din stable rehna hai, or next day we were going to ask ki what is the result. तो एक यंग मदर, शी केम एंड शी सेड कि मैं जैसे ही प्रोग्राम के बाद घर पहुंची, तो मेरे को लगता है 3 या 4 साल की डॉटर उसकी, तो वो मेरे साथ बहुत गुस्सा थी कि मैं उसको प्रोग्राम में नहीं लेके गई, मैं घर छोड़ गई थी उसको इतने घंटे के लिए. तो मैं जैसे ही पहुंची वो मुझसे बहुत रूडली बात करने, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, तो शी सेड वो इतना रूडली बात किया. शी सेड मैंने एक बार उससे प्यार से बात किया कि बच्चे मैं तुमको शाम को ले जाऊंगी, उसने फिर से किया. शी सेड क्योंकि मुझे याद था कि आज मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है. शी सेड उसने 3 बार ऐसा किया और मैंने 3 बार अपने ऊपर ध्यान रखा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, एंड शी सेड द मैजिक वॉज वो ठीक हो गई. शी सेड दैट वॉज लाइक रियलाइजेशन हिट मी. शी सेड क्योंकि पहले अगर वो मेरे साथ इस तरह से रूडली बात करती तो आई वुड हैव शाउटेड बैक एट हर कि ये कोई बात करने का तरीका नहीं है, या कभी तो जोर से उसको एक मैं लगाई देती उस टाइम. शी सेड वो ठीक हो गई. शी सेड हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बच्चों को ठीक करना. लेकिन हम ठीक कैसे करते हैं? जैसे एक बच्चा रूडली बात कर रहा है, हम उससे और रूडली बात करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. हम उसको डांट कर बताते हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? रूडली बोलकर उसको बोल रहे हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए. हाउ विल इट वर्क? सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय रिस्पॉन्स. अब वो बच्चा रूडली बात कर रहा है, वो राइट कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, इज नॉट द क्वेश्चन एट ऑल. वो स्टिम्युलस है. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय रिस्पॉन्स. इनफैक्ट सो राइटली सेड दैट हम रूडली बोल के उनको बोलते हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए. वो गुस्सा कर रहे हैं, हम गुस्सा करके उनको बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. वो डिसिप्लिन नहीं है, हम आउट ऑफ कंट्रोल जाकर उनको बोलते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए. हाउ विल इट वर्क? हाउ विल इट वर्क? लेकिन हम उस टाइम क्यों आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं? क्योंकि हम कहते हैं वो स्टिम्युलस ऐसा है कि मुझे इस तरह से डिस्टर्ब तो होना ही चाहिए. अगर मेरा बच्चा रूडली बात करे तो मैं क्या डिस्टर्ब नहीं हूँ? सो मेरे डिस्टर्बेंस का कारण कौन? आप. द डे दिस थिंग स्टार्ट सिंकिंग इन कि आसपास मेरे चाहे कोई कुछ भी करे फिर भी रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है, तो सारा ध्यान किस पर आ जाएगा? अपने ऊपर. माई रिस्पॉन्स. एंड दैट फॉर दैट लेडी दैट डे इट वॉज लाइक She said, "This is the way to bring up children. I have understood, and it was her practical experience. It was not theory." She said, "इस तरह से तो बड़ा करना है इनको. हमें सिर्फ अपना ध्यान रखना है. वो तो अपने आप ठीक हो गई." She saying, "और यही मैं अगर उसको बोल के ठीक करने की कोशिश करती, तो ध्यान किस पर रखना था? रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की नहीं लेनी है. हमने क्या सोचा? बच्चे को ठीक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अपने को ठीक रखना, दूसरों को सुधारना हमारी जिम्मेवारी हो चुकी है. Without taking care of myself. My response, oh, very true. That is what stability is all about. That is what stability is all about. या एक और बात जो सामने आती है कि जहाँ हमने ये कहा था कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ उसकी क्रिएटर मैं हूँ, वैसे ही दूसरा जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसकी क्रिएटर मैं नहीं हूँ. अगर वो पेन में है तो चाहे वो बार बार ये कह रहा है कि आपके कारण, आपने ऐसे किया था, आपने ऐसे किया था, आप लेट आए हैं, या आप कहीं और थे, या आप जो भी थे, आपके कारण मुझे दर्द हो रहा है, तो फिर तो मैं अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. या दैट्स ट्रू ना. उसको हमें राइट पर्सपेक्टिव में लेना है. लेट्स से कि मेरा एक पर्टिकुलर व्यवहार करने का तरीका आपको पसंद नहीं, लेकिन दर्द आप क्रिएट करते हैं. आई एम गोइंग टू रिमेम्बर दैट. अब आप अगर मुझे बार बार ये बोलने वाले हैं कि आपके दर्द का कारण मैं हूँ, आई एम नॉट टेकिंग इट. क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आपके दर्द का कारण आप हो, मैं स्टिम्युलस हूँ. डेफिनेटली मेरे वर्ड्स, मेरे बिहेवियर, वो आपके लिए स्टिम्युलस हैं, लेकिन रिस्पॉन्स
आप क्रिएट कर रहे हो। अब आई हैव टू चेक माई सेल्फ, जैसे आपको अपने को चेक करना है, मुझे अपने को चेक करना है, लेकिन वो मैं तब कर पाऊंगी जब मैं स्टेबल हो। अगर मैं गिल्ट में चली गई तो फिर मैं भी क्या रिस्पॉन्स क्रिएट किया, पेन का। पेन का। अब पेन में जाने के बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही खत्म हो गई, एंड देन आई विल नॉट लाइक यू, यू विल नॉट लाइक मी, आई विल नॉट लाइक यू, एंड देन वी स्टार्ट थ्रोइंग दैट नेगेटिव एनर्जी एट ईच अदर। तो अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आ रही है एंड यू आर वेरी वोकल अबाउट इट, आप मुझे सीधा बताते हैं कि आपकी वजह से ये सब, तो मैं सिर्फ आपकी बात सुन सकती हूँ, नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। ध्यान सिर्फ ये रखो कि सपोज मैंने कुछ आपको सेंटेंस कहा, आपने दर्द क्रिएट किया, उसके बाद आपने कहा कि मैं उसकी जिम्मेवार हूं, तो अब ये मेरी परिस्थिति हो गई। नाउ दिस इज माय स्टिम्युलस कि यू आर सेइंग, मैंने अपना दर्द फेंका ना आपको, सो नाउ दिस इज माय स्टिम्युलस। अब इस स्टिम्युलस में मुझे क्या रिस्पॉन्स करना है, पहली चीज मुझे अपना ध्यान रखना है कि मुझे दर्द में नहीं चले जाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो मैं तब निभा पाऊंगी व्हेन आई अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट गिल्टी ऑफ योर पेन इज योर क्रिएशन। वो स्टेबिलिटी क्रिएट करके अब मैं अपने आप को चेक कर लेती हूँ कि वॉट कैन आई चेंज अबाउट माई सेल्फ, जिससे आपके लिए वो स्टिम्युलस चेंज हो जाए, आपका रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि आप अभी भी उतनी हिम्मत, आप में उतनी ताकत नहीं है, या आप समझ नहीं पा रहे कि आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेवार हो अपने जो आपने दर्द क्रिएट नहीं किया। लेकिन ये हो सकता है ना कि जब आपका, क्योंकि वी नो वन थिंग कि परिस्थिति आएगी तभी तो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। लेट से मेरा बात करने का तरीका ठीक नहीं है, मैं जरा जोर जोर से चिल्ला कर आपसे बात करती हूँ, तो ये स्टिम्युलस आपको आता है तभी तो आप दर्द क्रिएट करते हो। अब आपके अंदर ताकत नहीं है कि आप इस स्टिम्युलस को फेस करो, तो आप स्टिम्युलस को बोलते रहते हो चेंज चेंज चेंज, यू चेंज, यू आर द कॉज ऑफ माई पेन। तो आपकी ये सेंटेंस को मैं लेती हूँ और अब मैं अपने ऊपर वर्क करती हूँ कि एज अ सिचुएशन मैं अपने आप को कितना चेंज करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं ये जिम्मेवारी नहीं लेती कि आपके दर्द का कारण मैं हूं, दर्द तो फिर भी आपने क्रिएट किया। जब मुझे ये ध्यान में रहेगा तो मैं पहले खुद दर्द में नहीं जाती, और जब मैं दर्द में नहीं जाती तभी मैं अपने को देख पाती हूँ, और तब चेंज करने का कोई मार्जिन है। जैसे रिलेशनशिप्स में दो लोग एक दूसरे को कहते रहते हैं आप मेरे दर्द का कारण हो, द अदर पर्सन डजंट एक्सेप्ट, बिकॉज वो जैसे ही हर्ट हो जाता है तो ही डजंट एक्सेप्ट दैट आई एम द कॉज ऑफ एनी थिंग, एंड देन ही डजंट चेंज। तो बेसिकली मुझे गिल्ट में नहीं जाना है ना, या ना कोई मुझे अपने इमोशन से मुझे यू नो बहा कर लेकर जा सकता है। आजकल होता क्या है ज़्यादातर कि हम स्टेबल न होने के कारण दूसरों की इस तरह की स्टेटमेंट्स की वजह से हम बह जाते हैं, यू नो, और फिर दैट इज ऑल्सो नॉट स्टेबिलिटी। परिवर्तन, येस आई एम रेडी टू चेंज, बट विद स्टेबिलिटी कि क्या परिवर्तन करना है मुझे, एंड आई वांट टू चेंज, आई वांट टू चेंज एंड आई हैव टू बी कंफर्टेबल विद दैट चेंज। ये नहीं कि मैंने चेंज किया और फिर मैंने दर्द क्रिएट कर दिया। आई मीट सम सिस्टर्स, उनके हस्बैंड्स कहते हैं आफ्टर मैरिज डोंट वर्क एनीमोर, आपको जॉब नहीं करना है, आपको घर पे रहना है, और जब तक वो पत्नी नहीं मानती है पूरा घर दर्द में है, इन लॉज हस्बैंड हमारी खुशी के लिए आपको जॉब छोड़नी है। चलो अब आपके पास चॉइस है कि या आपको जॉब करनी है या आपको जॉब छोड़नी है। आप ये समझकर कि आप उनको खुशी देंगे आप जॉब छोड़ते हैं, लेकिन आपने क्रिएट क्या किया वो जॉब छोड़ने के टाइम? अगर आपने ही दर्द क्रिएट कर दिया तो आप घर पर रहकर खुशी कैसे देंगे किसी को? Never, because you'll never be happy. You will never be happy. So important first is that in order to give any energy out, I will have to create it. And then you have to see these sisters, 20 years they have been sitting at home, aur 20 saal ke baad bhi ye regret kar rahe hain apna wo decision. Inki wajah se maine chhod. Yes. To fir wo ghar rehkar bhi khushi kahan hui? Fir hum kehte hain humne unke liye itna kiya, itna kiya, itna kiya, wo abhi bhi khush nahi hai. Wo kyun khush nahi hai? Kyunki humne kiya, kiya, kiya bahut kuch, lekin hum khush nahi the. To hum jab khush nahi the, to wo khush kaise honge? बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वही ट्रूथ से शिवानी, कि जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं वही दूसरों के प्रति भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं विद स्टेबिलिटी, हाँ, विद एंड हैप्पीनेस, यू नो, अगेन दैट इज स्टेबिलिटी। हम डूइंग लेवल पर निभा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। कहेंगे मैं अपने इन लॉज का ध्यान रखती हूँ, मैं हस्बैंड, मैं तो सारा दिन घूमती रहती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, फीलिंग क्या है? कहते फिर भी कोई खुश नहीं होता। कैसे होगा अगर मैं दर्द में हूँ वो सब करने के टाइम? तो इसलिए डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले
फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुश रह कर सब कुछ करना है, फिर आप कोई खुश हो सकता है, नहीं तो आप दर्द में तो सब लोग दर्द। और सबसे बड़ी बात जो हमें ताकत मिल जाती है वो ये कि खुश रहना मेरा अपने हाथ में है, आई कैन क्रिएट इट एनी टाइम आई वॉन्ट। इनफैक्ट आप सबसे हम यही कहेंगे कि वो हैप्पीनेस की मोमेंट्स को खुद क्रिएट करें, हैप्पीनेस के थॉट्स को खुद क्रिएट करें, और फिर हम काम, इनफैक्ट कोई भी काम शुरू करने से पहले, इनफैक्ट आई थिंक समवेयर वी शुड स्टार्ट विद दैट थॉट, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद 1 मिनट साइलेंस। आप दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, बीच बीच में रुक कर हमारा है कोई कार्य शुरू करने लगे हैं, पॉजिटिव थॉट, you know, happiness is not excitement, jump kar rahe hain sara din, happiness is positive thought, stable thought, I can do this, I will do this with stability, taki beech mein wo negative thought nahi aaye, hoga ya nahi hoga, mere se hoga, pata nahi kya, no pata nahi wo kaisa feel karenge, unko kya feeling hogi, very true shivani, aaj ki is baat ne kahin na kahin hame empower kiya hai aur ek clarity ke sath baat samne aayi hai ki where we stand, thank you so much shanti।